एसएसबी सीमांत मुख्यालय पटना के आईजी पंकज कुमार दरार ने एसएसबी 26वीं वहिनी मुख्यालय अनगढ़ा का निरीक्षण किया। एसएसबी परिसर स्थित ऑब्स्टेकल एशिया व स्वान दस्ता एजिलिटी पार्क का उद्घाटन किया गया। एसएसबी 26वीं वहिनी के नक्सल विरोधी अभियान की समीक्षा की गई। अभियान में लगे जवानों का मनोबल बढ़ाया गया। मौके पर आयोजित सैनिक सम्मेलन में आईजी तरार ने कहा कि चुनौती जितनी कठिन होती है सफलता उतनी ही बड़ी होती है। हमारे कार्य क्षेत्र में चुनौती को बहुत है। यह चुनौती हमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करती है। एसएसबी 26वीं वहिनी के अधिकारी व जवान की सेवा बेहतर है। इस अवसर पर कमांडेंट डॉक्टर जयंत कुमार शर्मा, द्वितीय कमांड वैभव सिंह परिहार, उप कमांडेंट विजेंद्र कुमार, तरनीश कुमार हंस, विकास जायसवाल, सहायक कमांडेंट विमल उराव, इंस्पेक्टर भगवान प्रसाद आदि उपस्थित हुए। तमाड़ प्रखंड के विभिन्न पंचायत में 8 वार्ड सदस्य और 21 मुखिया प्रत्याशी ने किया नामांकन। तमाड़ प्रखंड के लुंगटू पंचायत के मुखिया पद के उम्मीदवार तामराना गांव के गुरुदयाल सिंह गुंडा ने आज निर्वाचित पदाधिकारी तमाड़ सीओ विमल सोरेन के समक्ष नामांकन दाखिल किया। सैकड़ों की संख्या में लोग ढोल नगाड़े के साथ आए और नामांकन दाखिल किया। मौके पर विकेश्वर महतो, पाड़ू मुंडा, शंकर सिंह, गुरुदेव मुंडा, सोमा मुंडा, शंकर मुंडा, सुदर्शन मुंडा, मनबोध मुंडा समेत अन्य लोग उपस्थित हुए। यह पंचायत उग्र प्रभावित है और सभी बूथ संवेदनशील है। इस स्थिति में पंचायत में 5341 वोटर है, जिसमें अनुसूचित जाति 3388, अनुसूचित जनजाति 1016, पिछड़ी 418 व अन्य 519 है। इस पंचायत के अंतर्गत पतसाई, एदलपीड़ी, लुंगटू, तामराना, बंधई, हडबगाड व पीपरडाग गांव है। पंचायत चुनाव के लिए राज्य जिला अंतर्गत प्रथम चरण के नॉमिनेशन में समाहरणालय में प्रत्याशी और उनके सहयोगी की भीड़ देखने को मिली। यह भीड़ अन्य दिनों की अपेक्षा अधिक थी। 23 अप्रैल को नामांकन की अंतिम तिथि देखते हुए कई उम्मीदवार पहुंचे। वहीं तमाड़, बुंडू, सोनहातू और राहे प्रखंड में विभिन्न पद के लिए छठे दिन भी नामांकन दाखिल किया गया। जिला परिषद सदस्य के लिए आपार समाहर्ता के कार्यालय में 4 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। तमाड़ प्रखंड में मुखिया के लिए 21, सोनहातू पंचायत सदस्य के लिए 51, रांचे अंतर्गत राहे आंचल में मुखिया के लिए 30, बुंडू अनुमंडल पंचायत समिति सदस्य के लिए 42, सोनहातू प्रखंड अनगढ़ा प्रखंड में बीज उत्पादन की तकनीक देखकर प्रभावित हुए एवं प्रसन्नता व्यक्त की गई। अनगढ़ा प्रखंड में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का पूर्वी अनुसंधान परिषद के कृषि प्रणाली का पहाड़ी एवं पठारी अनुसंधान केंद्र रांची में आयोजित 18वीं अनुसंधान परामर्शदर्शी समिति के 2 दिवसीय बैठक कृषि उद्यमी के खेत के भ्रमण के द्वारा सम्पन्न हुआ। बैठक के पश्चात समिति के अध्यक्ष डॉ. सुरेंद्र नाथ, पशुपालक तथा सदस्य डॉ. एससी भट्टाचार्य, डॉ. ए. के. पाल, डॉ. एन. नागराज आदि ने केंद्र के एग्री बिजनेस एक्सक्लूसिव परियोजना के अंतर्गत मैत्री फाउंडेशन और मांझी के खेत का दौरा किया। इस दौरान केंद्र के प्रधान डॉक्टर अरुण कुमार सिंह द्वारा वहां प्रदर्शित केंद्र की तकनीक जैसे परवल की स्वर्ण अलौकिक स्वर्ण सुचारू एवं स्वर्ण रेखा किस्मों के मदर ब्लॉक ओपन पॉलीनेट सब्जी का किस्म का बीज के उत्पादन एवं अन्य कृषि गतिविधियों का निरीक्षण किया। तमाड़ प्रखंड में 61 ने खरीदा पर्चा, 21 ने किया नामांकन। तमाड़ प्रखंड सांचल कार्यालय में गहमा गहमी का माहौल है। वार्ड सदस्य के लिए कुल 50 तथा मुखिया पद के लिए 11 प्रत्याशियों ने पर्चा खरीदा। वहीं वार्ड सदस्य के लिए 8 व मुखिया के लिए 21 लोगों ने नामांकन दाखिल किया। इधर भिनसाइंडी निवासी देवीचरण मुंडा ने अपने सैकड़ों समर्थक के साथ आंचल कार्यालय तमाड़ में आंचल अधिकारी विमल सोरेन के समक्ष मुखिया पद के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। तमाड़ प्रखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लेकर नामांकन के लिए प्रखंड साहा आंचल कार्यालय परिसर में सरगर्मी बढ़ने लगा है। 23 पंचायत के मुखिया पद के लिए मात्र 6 पर्चे भरे गए हैं। वहीं वार्ड सदस्य के लिए पर्चे भरने की गति काफी धीमी बताई जा रही है। तमाड़ प्रखंड के मानकीडी पंचायत में मुख्य प्रत्याशी फूल कुमारी देवी ने नामांकन पत्र दाखिल किया। तमाड़ प्रखंड क्षेत्र के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में महिला मुख्य प्रत्याशी पूर्व मुखिया व निवर्तमान जिला परिषद सदस्य फूल कुमारी देवी ने आज नामांकन पत्र दाखिल किया। इनके द्वारा मुखिया के रूप में पूर्व में किए जाने जनहित कार्य को देखते हुए क्षेत्र की जनता ने मुखिया चुनाव लड़ने की मांग की। 5 साल से मानकीडी पंचायत का जितना विकास होना चाहिए था वह नहीं हो सका। जन भावनाओं को प्राथमिकता देते हुए उन्होंने मुखिया चुनाव लड़ने का फैसला किया। बुंडू अनुमंडल में आज शुक्रवार को
42 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। बुंडू अनुमंडल में 42 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। बुंडू प्रखंड पंचायत समिति सदस्य के लिए 6 प्रत्याशियों ने नामांकन किया। वहीं तमाड़ में 12, सोनाहातू में 10 और राहे प्रखंड में 14 नामांकन किए गए। इस प्रकार अब तक बुंडू अनुमंडल में 12 पंचायत समिति सदस्य के लिए 8, तमाड़ में 27 पंचायत समिति सदस्य के लिए 27, सोनाहातू में 15 पंचायत समिति सदस्य के लिए 19 और 11 पंचायत समिति सदस्य के लिए 20 प्रत्याशियों ने नामांकन किया। इधर बुंडू सीओ राजेश डुंगडुंग ने बताया कि बुंडू प्रखंड में कुल 17 मुखिया प्रत्याशी ने नामांकन दर्ज किया। वहीं मुखिया प्रत्याशी के लिए नामांकन करने वाले 17 प्रत्याशियों में 10 महिला उम्मीदवार है। बुंडू में वार्ड सदस्य के लिए कुल 30 प्रत्याशियों ने नामांकन किया। इस प्रकार बुंडू प्रखंड में 11 पंचायत के लिए अब तक कुल 28 मुखिया प्रत्याशी और 123 वार्ड के लिए कुल 45 प्रत्याशी नामांकन पत्र भर चुके हैं। ओरमांझी प्रखंड में आज शुक्रवार को गोला रोड में तीर्थयात्रियों से भरी बस पलटी। ओरमांझी प्रखंड में आज शुक्रवार को गोला रोड में तीर्थयात्रियों से भरी बस पलट गई और ट्रक से भिड़त केजिया घाटी में दुर्घटना घटित हुई है। दर्जनों तीर्थयात्री घायल हो गए हैं। स्थानीय लोगों ने घायलों की मदद की एवं अस्पताल भेजा। बस उड़ीसा से देवघर जा रही थी, इसी दौरान गोला रोड में तीर्थयात्रियों से भरी बस और ट्रक में भिड़त हो गई। दुर्घटना में कई लोग घायल हो गए हैं, जिनका स्थानीय अस्पताल में इलाज किया जा रहा है।